तो सबसे पहले सभी को हैप्पी दिवाली। और आज हम आपको दिवाली के इस अवसर पर एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात बताने जा रहे हैं। तो वो ये है कि आप सबको जो योगी सरकार फ्री में एक सिलेंडर देने वाली थी, उसका पैसा आना प्रारंभ हो चुका है सभी के अकाउंट में। आप अपने अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं, अपने नोटिफिकेशन बार में जाके चेक कर सकते हैं। सबको सब्सिडी के रूप में 512 रुपया सेंड कर दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे हमारा इसकी शॉट लगा हुआ है। हमारे जो है जिनके नाम उज्ज्वला कनेक्शन था, उनके अकाउंट में 512 रुपया क्रेडिट हो चुका है। जैसे कि आप जैसे ही सिलेंडर वायर करेंगे, सिलेंडर खरीदेंगे, तो आपको 333 रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा और 512 मिला के आपको 845 रुपये दे दिए जाते हैं। और 845 रुपये का जो है सिलेंडर इस समय आ रहा है। आपको जैसे पता होगा, सिलेंडर सभी लोग लेते ही हैं, तो योगी सरकार का जो फ्री सिलेंडर देने का वादा था वो आपको मिल चुका है। यानी कि आपकी दिवाली जो है खुशहाली में बदल चुकी है। जाइए और नोटिफिकेशन बार को चेक कीजिए। और अगर आपका नहीं आया है पैसा, तो गलती आपकी है। गलती क्या है कि आपने शायद EKYC नहीं की है, EKYC नहीं करवाई है। तो आप जाइए अपने जो है जो भी आपका सिलेंडर हो, इंडेन का हो, गैस का हो, वो इंडेन का हो, भारत का हो, HP का हो, जो भी हो, वहाँ के ऑफिस जाइए, हेड ऑफिस, और वहाँ पे आप KYC के लिए तत्काल पहुँच ही जाइए और अपनी करवाइए KYC। और अगर इसके बाद आपके KYC होने के बाद भी अगर पैसा नहीं आया है, तो आपने अपनी जो सिक्योरिटी टिप्स होती हैं उनको पूरा नहीं किया है। जैसे कि एक बॉल, इस तरह की बॉल ली जाती है, बॉल लो लेने के बाद उसको अपने अकाउंट पे चढ़वाई जाती है। अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं, आपका जो पास जो कनेक्शन पासबुक है वहाँ ऑनलाइन उसको चढ़वाया जाता है कंप्यूटर में। तो आपने अगर ये भी नहीं करवाया है तो आपका पैसा नहीं आएगा। और अगर आपने ये करवाया है तो आपका पैसा आ चुका होगा। जैसे कि आज की डेट है, आज की डेट में देखिए हमारा पैसा क्रेडिट हो चुका है 512 रुपया। और जिस दिन मैं जैसे ही मैं ऑनलाइन बुकिंग करूंगा, तो हमको 333 रुपया और मिल जाएगा और टोटल मिला के हमको 845 रुपये हो जाएगा। तो जाइए अपने अपने मैसेज बॉक्स में और चेक कीजिए आपका पैसा आ चुका है कि नहीं। अगर आपकी सब्सिडी आती है जो कि आप बुकिंग करते हैं गैस की, तो आपका पैसा आ ही चुका होगा। आप चलिए तो देखिए और जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो में जो भी आपको लगेगा, आपको दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, अगर आपकी मान लीजिए नहीं आई है, आपकी KYC नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको मोबाइल से जो है KYC करना बता दूंगा कि कैसे करना है, यानी घर बैठे आप कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय सियाराम।